हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज हम बवाना जा रहे थे अपनी पुरानी वाली साइट पे, जो कि अभी तक आप लोगों ने हमारी देखी वीडियो पर। अचानक से अभी सर का कॉल आ गया था, वो हमको दूसरी साइट पर भेज रहे हैं। एक विजिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, जिसकी वजह से हम लोगों को आज हरियाणा जाना पड़ रहा है। हरियाणा में वो जगह है सोनीपत में पड़ती है, और हम लोग बाइक से जा रहे हैं। वहाँ पे जो हम जा रहे हैं, उस जगह का नाम मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो वो एक यूनिवर्सिटी है, जो कि ओपी जिंदल के नाम से मशहूर है, और वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर हमें कुछ पैनल इंस्टॉल करने हैं, और वो कन्वेंशनल पैनल हैं, और उसकी इंस्टॉलिंग आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। चल चुके हैं, अभी हम लोग खेड़ा गांव में घूम रहे हैं, और हम लोग रास्ता भूल चुके हैं, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी रास्ते को लेकर के, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कोई कह रहा है मेरा मैप सही बता रहा है, कोई मेरा मैप सही बता रहा है, पर अभी हमें एक ताऊजी ने रास्ता बताया है, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने ही बस सही बता दिया है। इंगे उंगे का रास्ता पकड़ते हुए चले जाना है, सीधे वाला नहीं पकड़ना, इंगे उंगे वाला पकड़ते हुए जाना है। हम लोग पहुंच गए हैं खेतों में, और हम मेरे पास सर का फोन आ रहा है, मैं उनसे बात कर लूँ। अरे यार, चावल क्या कर रहा है? हेलो हेलो, हाँ जी सर, सर रास्ते में हूँ, नरेला पहुँचने वाला हूँ। फोन कौन सा लेफ्ट साइड में रखा कर, राइट साइड में नहीं। मेरे साथ है, गेट पास के लिए नंबर देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं, और हमें वहाँ जाना है, वो हमारी बिल्डिंग है, वो उधर हॉस्टल दिख रहा है हमें यहीं से, और कुछ बिल्डिंगें नहीं बन रही है, वहाँ तक हम लोगों को जाना है। इधर यहाँ पे शमशान घाट है, उसके बाद वो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ट्रकें आ रही है, उस हाईवे के बगल में ही है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं ओपी जिंदल, अब हम लोग एंट्री करवाने जा रहे हैं। देख सकते हैं कितने ओपी जिंदल की यूनिवर्सिटी है, मेन गेट है जहाँ से कि हमें एंट्री करवानी है। तो गाइस, हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर, और अभी हम लोग कुलदीप सर से मिलने जा रहे हैं, जो कि हमें बताएंगे कि कहाँ पे काम करना है, और कैसे काम करना है, और क्या प्रोग्राम रहेगा आज का। सारा कुछ उन्हीं के गाइडेंस से होगा, यहाँ पे कुछ भी कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे खाली कैंटीन्स और हॉस्टल्स हैं। अभी तक मैंने एक भी एजुकेशन पढ़ने वाले कमरे नहीं देखे, कोई से भी क्लासेस वगैरह मुझे तो नहीं दिखे। और मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है जिंदल, जो कि आप लोगों ने ब्रांड सुना होगा, जिंदल चाय, जिंदल सरिया, जिंदल बहुत कुछ, उन्हीं का ही है ये। बस जिंदल मैम के ऊपर है, सर की नहीं है यूनिवर्सिटी, मैम के नाम से है ये। तो अभी जाते हैं हम लोग सर से मिलने, फिर उसके बाद कहाँ हमें काम करने के लिए जाना है वो देखते हैं। तो गाइस, अभी सर से बात हुई है, सर ने बताया है कि मैं हॉस्टल नंबर 07 पे हूँ, तो हमें उधर ही जाना है। और यहाँ पे ये टेंट वेंट लगा हुआ है, कोई भी फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे। वही है इनका हॉकी ग्राउंड भी है, और पीछे SS8 दिख रहा है हमें, SS9, उसके बगल में ही SS7 है, हमें वहीं जाना है उनसे मिलने के लिए। अब तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पैनल ख़राब हो चुका था, फिर आ गया था मशरूम। अब हम यहाँ पे आपको देखो कलेक्शन कर रहे हैं, ये हमने पैनल टांगा है, अभी ये पैनल है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब हम इनकी वायर के, होटर के, इन सब के कनेक्शन कर रहे हैं डिवाइसेस के। तो गाइस, अब हम लोगों ने कनेक्शन कर दिए सारे पैनल के वायर के, और अब हम थोड़ी देर में इस पैनल की टेस्टिंग देने वाले हैं। कनेक्शन सारे हो गए हैं, जोन वाला पैनल है, क्या क्या रह गया इसमें, वायर ही छोटी पड़ गई।
खींचे मत भाई, आप टूट जाएगी सारी, देख रहे हैं एंड पे ये आप देख रहे हैं, और जोर से खींचते टूटेगी। इसमें बड़ी कर ले टेप, टेप यूज उसको। अरे ये सब कटी पड़ी तो है, टेप नहीं हमारे पास, ये टेप यूज करनी पड़ी। देखिए कटी पड़ी है, इनको उठा, ये देखिए रे रुक है तो बहुत, इनको जोड़ ले यार, क्यों टेंशन ले रहा है तू। हो गया भाई, जो सेट। अभी हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, पैनल पे काम कर रहे थे, अभी काम थोड़ा अधूरा बाकी रह गया, तो हम लोग अब खाना खाने के लिए कैंटीन जा रहे हैं। तो गाइज हम लोग खाना खा करके आ गए हैं। क्या क्या खाया राहुल भाई आज? आज हमने ऐसी ऐसी चीजें खाई जिसमें जिसको खाने में कोई मजा ही नहीं आया। तो गाइज आज हम लोगों ने खाया था, मैंने तो पुलाव लिए थे, खीर ली थी, रायता लिया था, और मिक्स वेज था उसमें, और सलाद थे, अचार, और ये सारा खाना कितने में था? ये करीब करीब 80 प्लस रुपए समथिंग प्लेट आई थी हमारे को। कितना ज़्यादा स्लो हो गया इसको बाद में करना है, पक्का काम होगा ना? जी सर, अभी चेक करेंगे। तो गाइस आज हमारा एक पैनल चालू हो गया, सारे होटल वगैरह हमने चेक कर लिए हैं, पीए सिस्टम भी चेक कर लिया है। सो गाइस पानी पीने आए थे हम लोग, काम वहाँ पर से खत्म हो गया, यहाँ का पानी पीने का सिस्टम आप देख सकते हैं किस टाइप से। हो गया भाई, कैसा लगा इसमें पानी पी करके? कैसा जानवर जैसे फीलिंग आ रही है, पेट नहीं भरता लेकिन ऐसे पानी पीने मजा नहीं आ रहा है। ये पता नहीं क्या वजह से सिस्टम लगा दिए हैं, मैं भी बिगड़ के देखता हूँ कैसा लगता है। काम खत्म हो गया और हम लोग अब एग्जिट करने जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग काम सारा खत्म हो चुका है, पैनल वैनल ओके हो गया, और हम लोग यहाँ की टेस्टिंग दे करके निकल चुके हैं। और हमारे पीछे अभी जस्ट ये गांधी जयंती का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, उसी का काम चल रहा है, यहाँ पे गाने वाने बज रहे हैं। तो अब हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में सर से मिलने, सर को एक बारी रिपोर्ट बना करके दे दे, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। अगर एक महीने तक हम लोग लगातार आते रहे ना, गाइस ये लोग कॉलेज में आकर के अजीब अजीब सी बातें करने लग गए हैं, इन्होंने पहली बार में इतने बल्क में देखा है, जो भी देखा है आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसी बात नहीं है, काफी टाइम से हम लोग सिंगल रह चुके हैं, तब थोड़ी आग आई है अंदर, बस अब बस भाई बस ऐसी ऐसी बातें मत शेयर करना है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं सर का। हमारा एक्चुअली क्या हुआ कि सामान फायर ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है, और ऑफिस है बाहर से लॉक, और अभी हम लोग सामान निकाल नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते। काम करने के लिए तैयार है हम, बकायदा हमारा एडमिशन करवा दे ये लोग यहाँ पे, हम सब करेंगे यहाँ का खाना की, क्योंकि बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हेलो गाइस, फाइनली हम लोगों का आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है, और हम लोगों की एग्जिट हो गए यहाँ से, हम लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, लाइक करके शेयर करके कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताएं, और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं।